धन्यवाद परमेश्वर, आज आपने मुझे पूरा दिन संभाल कर रखा। मेरे परिवार को भी तो खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। जीवित पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपके चरणों में उपस्थित होते हैं, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो बीमार हैं। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हमेशा खुशियां दें पिता परमेश्वर, और वे आपसे प्रार्थना कर सके। इस योग्य उनको आप सामर्थ्य और ताकत दीजिए कि वो आपसे प्रार्थना कर सके। जो बीमार है और उनके परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार में शांति नहीं आसान है, उनके परिवार को आप शांति दीजिए और उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उनके परिवार टूटने न पाए, यानी बिखरने न पाए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। उनकी तरफ से हम पिता परमेश्वर माफी मांगते हैं। जो भी गलती हो क्षमा करे उसे पिता परमेश्वर। और अनेक प्रकार के तमाम प्रकार की बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, जैसे उलझन होना, घबराहट होना, सिर में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, किसी भी प्रकार की समस्या हो पिता, अनेकों प्रकार की संसार में दुख मुसीबत है, तकलीफ है पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं आज इसी वक्त अभी इसी शाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अब हम सोने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारे परिवार को और मुझे संभाल कर रखिए। हमें अच्छी नींद दीजिए, हमारे घर को चारों ओर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा पहरा दीजिए पिता परमेश्वर, स्वर्गदूतों को लगा दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे और मेरे ऊपर ध्यान दे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप प्रिय हैं, आप धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तमाम भाई और बहनों पर अपना हाथ रखें जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय को विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश दुख उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर पैर तक बीमार और ईसो, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने मुझे जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आज इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर, उन मसीह भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उनके परिवार को आज अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर आज़ाद करें किसी भी मुसीबत से, किसी भी दुख से, किसी भी समस्या में पिता, ईसो मसीह के नाम से आमीन।